लोग सब घर पे है एंड घर पे बैठ के बहुत कुछ अलग अलग खाने की क्रेविंग होती रहती है हमेशा. सो वी थॉट वील कम अप विद अ सीरीज नेम्ड क्रेविंग एट होम, जिसमें हम लोग बाहर से खाना मंगाएंगे घर पे एंड वी विल रिव्यू इट फॉर यू गाइज. सो आज हम लोग को चाइनीज़ खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही थी. सो टुडे इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द क्रेविंग एट होम सीरीज, और उसी के चलते आज हम लोग ने खाना ऑर्डर किया है मैंडरिन ओक से, जिसके कई सारे ब्रांचेस है वैसे मुंबई में. हम लोग ने ऐरोली वाले ब्रांच से ऑर्डर किया है. एक्चुअली मेरे जो लास्ट बर्थडे हुआ था वो बर्थडे के दिन हम लोग ने उधर से ही ऑर्डर किया था फूड, और खाना बहुत टेस्टी था और जेनरस भी था. एंड आई होप अभी वही टेस्ट और वही जेनरसिटी हम लोग को देखने को मिलेगी. एंड फिंगर क्रॉस्ड हम लोग ने कुछ अलग खाना ऑर्डर किया है. लेट्स सी हाउ इट इज बीन सर्व. पैकिंग के मामले में तो बाबा वैसे ही है जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम रिसीव किया था. रियली नाइसली पैक्ड. एंड it's time to taste the dishes, and the first dish is drums of heaven in some Chinese sauce. Now I don't know how to pronounce the name of that sauce, so it looks delicious and it smells amazing. और मैंने इसकी फोटो देखी थी, थोड़ा नॉर्मल लॉलीपॉप से थोड़ा अलग दिख रहा था. So tempting. I just can't wait to take a bite. चिकन काफी अच्छी तरह से पका है एंड काफ़ी मॉइस्ट और टेंडर है, और बाहर से जो ग्रेवी है उसका थोड़ा स्वीट एंड सावर टेस्ट आ रहा है. ओवरऑल इट्स रियली डिलीशियस. बहुत दिनों से चाइनीज़ खाने की जो क्रेविंग हो रही थी वो आज सेटिस्फाई हो रही है. लॉलीपॉप्स के साथ बहुत सारी ग्रेवी भी दी है और ऊपर से स्प्रिंग ऑनियंस के साथ गार्निश किया है. सो दिस इज कुंग पाओ स्टाइल पैन फ्राइड डिमसम्स, और बहुत अच्छे से ब्रांडिंग किया है इन्होंने. अभी मैं ये ओपन कर रहा हूँ. आप इनका पैकिंग देख सकते हो. बहुत से टाइम क्या होता है कि जो ऑयल रहता है वो स्पिल हो जाता है कंटेनर से, बट इनका जो पैकिंग है नेक्स्ट लेवल पैकिंग है भाई. वाह, जस्ट अ मोमेंट. यस, तो वाह, यहाँ पे इन्होंने पीनट्स भी डाले हैं. This is the first time I'm going to have peanuts in dim sums. Wow, man! Look at this. So juicy and saucy dim sums. और बहुत अच्छे से garnish भी किया है. It's look very tempting. I'll just pick it one for you.
ओ माय गॉड, दिस इज सो सॉफ्ट, आई जस्ट कांट वेट टू हैव इट. आर दे फ्राइड? आई थिंक दे आर पैन फ्राइड. यस, दे आर पैन फ्राइड. दे आर पैन फ्राइड बट ड्यू टू द सॉस दे आर वेरी सॉफ्ट इन टेक्सचर. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैं अभी ये खाने जा रहा हूँ. Oh my god, this is heaven, man. Wow. It's too good, man. It's too good. And these peanuts are giving crunch in the bite. The sauce is little bit spicy. जैसे शायद इसने जैसे वो drumstick कह दे उसके जैसा ही sour है. But oh my god. मैं बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, दिस इज अ प्योर रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड. दिस आर लिटिल बिट कॉस्टलियर देन जो अपने रेगुलर मोमोज और डिमसम्स है, बट वंस यू हैव इट ना, यू विल टेक माय नेम डेफिनेटली. आई टेल यू, यू विल डेफिनेटली रिमेंबर मी. और वी बहुत बहुत टेस्टी है मैन. एंड This is veg and also it available in non-veg. हम लोग ने सोचा कि चलो वेज नॉन वेज कॉम्बिनेशन करके ऑर्डर कर दे ताकि दोनों टेस्ट करने को मिले. और हम लोग को दोनों इक्वली पसंद है, ऐसा नहीं कि हम लोग नॉन वेजिटेरियन ही ज़्यादा प्रीफर करते, वेज भी इक्वली खाते. इनफैक्ट वी लव ऑल काइंड ऑफ फूड. सो गाइस, अभी हम लोग मेन कोर्स टेस्ट करने वाले हैं. सो दीज आर burnt basil noodles, sorry, chili basil noodles with burnt pepper chicken, something like that, or black pepper chicken. Yeah, black pepper chicken. Okay. Noodles kafi subtle hai and nice. Halka sa basil ka flavor hai. And let's try the chicken now. बहुत लाइट वेट है नूडल्स, ऐसा हेवी नहीं लग रहा है बाइट में. What happened? The chicken is too good. Really? अलग ही सॉस है, पता नहीं चल रहा है कौन सा है, लेकिन पेपर का फ्लेवर है. My god. Chicken is really good. Delicious. और उसके कॉन्ट्रास्ट में नूडल्स भी काफी सटल है, विच इज एक्चुअली नाइस. और नूडल्स में आई थिंक थोड़ा स्क्रैम्बल्ड एग भी है. हमारे सारे चाइनीज के क्रेविंग्स अभी सेशिएट हो रहे हैं. दे आर जस्ट लविंग दिस फूड. एंड आई एम डैम श्योर ये खाना इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि आप लोगों को भी अभी खाने का मन कर रहा होगा. मुझे एडिटिंग करने के वक्त भी आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रूल. सो आई थिंक ये मेन कोर्स के साथ कुछ सैलड जैसा आया है. एंड लेट मी, आई थिंक दिस इज किमची. फ्लेवर तो एकदम वैसा ही आ रहा है. और इसमें कोरिएंडर भी डाला है एंड थोड़ा सेसमी सीड्स भी है.
किमची की तरह ही है, कोरियन है मतलब, एंड इट्स नाइस. इट्स स्वीट इन टेस्ट टू, स्वीट एंड सावर. नाइस नाइस कॉम्बिनेशन विद नूडल्स एंड एवरीथिंग. ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा है. So guys, if you loved this video, then do not forget to subscribe to our channel and hit the bell notification. And we will see you in the next vlog with another cuisine and another craving. So bye bye and keep having great food and enjoy this time. Stay safe, stay home.